ये दोस्तों आप देखिए कि आज हम लोग फिर एक बार बंदरों को खिलाने के लिए आ चुके हैं, और ये देखिए हमारे पास में आ चुके हैं प्रियांशु जी, थोड़ी मदद करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रियांशु भाई भी बांट रहे हैं, और यहाँ पे आप देखिए लो अभी आओ, ये देखो कितने प्रेम से खा गए। अरे आइए तो, अरे कुछ नहीं कटी है ना, ले लो आओ भैया। तो भैया तो भैया तो लीजिए भैया, ये हमारे दुकान में है, तो हमारी विचारधाराओं पे चलने के लिए तैयार है। और इधर दिखाइए प्रियांशु जी, ये देखिए राजेश भाई, लो यार अपना खिला डाले। ये देखो इधर दिखाओ, कितना प्यार करते हैं सब हमसे। ये देखो राजेश भाई के तो बहुत करीबी है क्या भैया? भैया और ये आपको हम यहाँ पे कमेंट्री है। दोस्तों अब हम आपको कमेंट्री करके सुनाते हैं प्रकाश भैया की। ये बहुत बड़े क्रिकेटर है, और यहाँ पे अगर कमेंट्री की बात किया जाए तो प्रियांशु जी आपको मैं सुनाता हूँ जी। हाँ, और यहाँ पे बहुत ही बड़े बैट्समैन डीजे प्रकाश राज आज बंदरों को खाना खिलाने के लिए पहुँच चुके हैं, और खाने के रूप में गाजर खिला रहे हैं। और अब इनसे जानते हैं कि कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है खिला के? देखिए किसी को भी खिलाया जाए तो बहुत मतलब बहुत बड़ी बात है, खास करके हनुमान जी के स्वरूप हैं, तो बड़ा जी, मन प्रसन्न हुआ कि हमें ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अच्छा, और यहाँ पे हम एक बार फिर जानते हैं अपने राजेश भाई से, आज इनकी थोड़ी सी तबीयत खराब है, यानी इनको बुखार चढ़ा हुआ है, तो हमने सोचा थोड़ा सा दान पुण्य करवा दिया जाए तो फिर राजेश भाई भी ठीक हो जाएंगे। भाई बंदर हमारे ही सहारे हैं भाई जी, इनके कोनो न घर है न जमीन है, पेड़ पर रहते हैं जी, जंगल में हाँ। तो ये जानते हैं कि मतलब कोई आएगा तो हमको थोड़ा बहुत खाने को मिल जाएगा जी, जी, जी। बिल्कुल। अच्छा राजेश भाई, आज हमारा लुक कैसा आपको लग रहा है, ब्लैक आज वाला? पूरे तुम हीरो हो हीरो चूंकि आज जो है दोस्तों शनिवार है, और आज शनिदेव महाराज जी की हम अक्सर पूजा किया करते हैं, आप लोग देखते होंगे। तो दोस्तों आज हम वही पूजा करने के लिए आए, लेकिन हमने सोचा कि आज शनिदेव महाराज जी के चरणों में जाने से पहले फुल लुक किया जाए जी। काला चश्मा, काला पैंट, काला शर्ट और काले जूता, और काला काम नहीं, काम और, सफेद और काला मुंह और काला मुंह देख सकते हैं। इधर दिखाओ बेचारे, ये देखो सब सबसे अहम चीज ये है कि ये देखो छोटा सा बच्चा है, और देखिए ये मुंह में जो है अपना डाल लिया है। काटना नहीं किसी को, ए लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं, कितनी दूर दूर से लेके। तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे हजारों की संख्या में बंदर हैं। अच्छा एक चीज हमारे दिमाग में आ रही है प्रकाश भैया, अगर मान लो गाजर अभी चल रहा है सीजन, तो इनको हम लोग खिला ले रहे हैं, और जब ये नहीं रहेगा तब क्या खिलाएंगे? खीरा जाएगा, खीरा खिलाएगा, लैया रहेगी और चना रहेगा, जो कि इनका फेवरेट है, लैया चना और खीरा, और अन्य सब्जियां भी इनको ला के डाल दो तो खा लेते हैं, अन्यथा पे चना यही किया जाएगा, 40-50 किलो भुजवा के रख दिया जाएगा, 5-5 किलो 2 किलो। और ये है तो दोस्त वाला और लैया काम हमेशा रहता है। हाँ ये है, अगर देखा जाए तो छपरा थोड़ी कटोरी रखो उसमें, नहीं वो तो घर पे लगी है, आप जानते हैं। मैसेज अगर मैसेज आप दे दीजिए कोई। वैसे दोस्तों आपको हम बता दें कि हम बंदरों को खाना खिलाने के अलावा हमारे घर पे जो पंछी हैं, गौरैया हैं, और तरह तरह के पंछी आते हैं जो आप कई बार देखे भी होंगे, वो आते हैं और उनको हम 20 बिस्किट खिलाते हैं, बहुत शौकीन हैं बिस्किट खाने के। तो सुबह जैसे होता है कौवा भी आते हैं, सब आते हैं, तो वो बिस्किट खाते हैं, और पानी भी आप लोग भी पिलाइए, ऐसा बिस्किट खिलाइए, दाना खिलाइए चिड़ियों को, और बंदरों को खाना खिलाइए। कहने का मतलब आप जो है दान पुण्य करिए इसी तरीके से, और बेजुबानों की मदद करिए, इससे बहुत ज़्यादा आपको हम बताएं आप सभी को फ़ायदा होगा, और स्वास्थ्य के अनुसार भी तमाम चीज़ें होंगी, क्यों भैया जी, है ना, मतलब जो भी चीज़ें होती हो पंडित लोग जैसे बताते हो, लेकिन पुण्य करने से आपको बहुत से फ़ायदे भी होंगे, आर्थिक रूप से आप मजबूत होंगे, तो ये सब चीज़ें आप लोग करिए। फिलहाल ये जो वीडियो है बनाने का जो उद्देश्य है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आप लोग भी देख कर इसी तरीके से बनाएं। काटना नहीं, अब कुछ नहीं है, तो ये चीज़ें अभी काट लिया था। चलो तो दोस्तों ये वीडियो बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, बंद कर दो।